हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोडैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में कल देर रात तक आपको लेकर या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर चला है, तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। बस आपको इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कल देर रात तक ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं, जान लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में कल देर रात तक चला है, गाइड कीजिए, बताइए। स्टैंड स्टिल। दो कार्ड्स आ गए, द फैमिली, गैदरिंग टुगेदर, यूथफुल फॉली, ग्रेट पावर, वर्क ऑन व्हाट हैज बीन स्पॉइल्ड एंड ओवरऑल एनर्जी है वेटिंग। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सॉरो। द फैमिली को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। अंडरस्टैंडिंग। गैदरिंग टुगेदर को क्लैरिफाई कीजिए, न्यू विजन। यूथफुल फॉली को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात की एनर्जीज। द ड्रीम। ग्रेट पावर को, पास्ट लाइफ एंड वर्क ऑन व्हाट हैज बीन स्पॉइल्ड, गाइड कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक क्या एनर्जीज रही, रिसेप्टिविटी एंड ओवरऑल एनर्जी एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन सी मैच्योरिटी लेवल पे एनर्जीज मुझे दिखाई दी हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिखाई दिया, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि भी यहाँ पर है। ठीक है, अभी जब मैं क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी तो वापस से डिस्कस करूंगी कि और कौन कौन सी यहाँ पर मेजॉरिटी लेवल पे मुझे एनर्जीज दिखाई दी है। देखो यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं, जैसे कि आज की इस रीडिंग का सवाल है कि आपके पर्सन कल देर रात तक किस एनर्जी में रहे, मुझे पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये दिख रही है कि काफ़ी परेशान रहे हैं उस चीज़ को लेकर, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दर्द में रहे हैं कि ये ना कुछ कर नहीं पाए, मतलब इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, और इन्होंने इस कनेक्शन के लिए स्टैंड नहीं लिया या आप पर भरोसा नहीं करा, इस कनेक्शन पे भरोसा नहीं करा, इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर ये ठहराव आया, इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर सब कुछ थम गया, ये थम गए, ये रिश्ता थम गया, इनके दर्द वहीं पर रुक गए। तो ऐसी चीज़ें इस पर्सन के मन में कल देर रात तक बहुत ज़्यादा चली हैं, और रीज़न क्या था इन सब चीज़ों के पीछे का कि इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, बजाय स्टैंड लेने के ये पर्सन वहीं पर पत्थर बनकर बैठ गए। ठीक है, इन्होंने भरोसा नहीं करा। इनके दिल में कल देर रात तक आपके बहुत ज़्यादा थॉट्स आए हैं, यानी कि जो भी आपने पल बिताए हैं या जो भी आपने सपने देखे हैं ना, वो सब इन्हें ना बहुत ज़्यादा जैसे कि अपनी तरफ खींचते रहे हों इन, और वो चीज़ें ना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस करती रही, क्योंकि वो चीज़ें ने ये एहसास दिला रही थी कि इन्होंने इस कनेक्शन में हद से ज़्यादा इमैच्योरिटी दिखा दी, इन्होंने इस कनेक्शन में हद से ज़्यादा
रफ बिहेव करा है या इस कनेक्शन को इन्होंने कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया, वो चीज़ें इस पर्सन को कल देर रात तक बहुत ज़्यादा रेस्टलेस करती रही हैं, दर्द तो देती ही रही हैं। ये पर्सन जितना ज़्यादा आपके बारे में कल देर रात तक सोच रहे थे, उतना ज़्यादा इस पर्सन को इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ के बारे में पता चल रहा था, या ये समझ पा रहे थे कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, अगर ये उसके लिए स्टैंड लिए होते ना, अगर ये थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ ले लिए होते, तो डेफिनेटली आज की डेट में आप दोनों साथ होते। इस कनेक्शन में एक अलग ही चार्म होता, इनके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता जो आज की डेट में अब नहीं है। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों को ये पर्सन कल देर रात तक एक्सेप्ट कर रहे थे, जो शायद कभी एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे थे या समझना नहीं चाह रहे थे। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि कल देर रात तक ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर जो इन्होंने एफर्ट नहीं करे, उन्हें ये नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। अभी तक तो इनके साथ ये था कि ये कभी आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, कभी कनेक्शन के बारे में गलत सोच रहे हैं, कभी हद से ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन कल देर रात तक इनके साथ ये रहा कि इस कनेक्शन को लेकर जो इन्हें एफर्ट करने थे ना, उसको लेकर नए पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि अगर ये एक्शंस ले लिए होते ना, तो आज की डेट में आप दोनों साथ होते, और अगर परिवार वजह है तो वो परिवार में आप भी शामिल होते, लेकिन स्टैंड तो इन्हें ही लेना था जो इन्होंने नहीं लिया। आज की डेट में अगर इनकी साइड से एफर्ट हुए होते, तो आज आप इनके परिवार का एक हिस्सा होते, जहाँ पर खुशियाँ होती। तो वो चीज़ें कल देर रात तक इस पर्सन के मन में चली, और वो चीज़ें इस पर्सन को परेशान करती रही हैं, क्योंकि ये समझदारी, ये मैच्योरिटी अब किसी काम की नहीं है। इन्हें ऐसा फील हो रहा था, यानी कि बहुत देर कर दी, अब ये उस स्टेज पे आ गए जहाँ पर स्टक हो गए हैं, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, मामला बहुत ज़्यादा अब बिखर गया है। अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। तो वो चीज़ें भी इनके मन में कल देर रात तक रहीं कि इन्होंने ना इस कनेक्शन में वर्क नहीं करा, स्पॉइल होता रहा, ख़राब होता रहा, बिगड़ता रहा, लोग भिड़ते रहे, लड़ते रहे, और एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराते रहे, लेकिन इन्होंने इस कनेक्शन को रिपेयर नहीं करा, स्पॉइल होने दिया। अपनी गलती को, इस चीज़ को ये पर्सन कल देर रात तक एक्सेप्ट करते रहे, क्योंकि ये बस खड़े वहाँ पर वेट करते रहे, देखते रहे, और बस एक्सपीरियंस लेते रहे कि क्या हो रहा है, इन चीज़ों से मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो उन सभी चीज़ों का दुख कल देर रात तक ये पर्सन मनाते रहे हैं। इनके दिल में ये चीज़ें भी चल रही थी कि ये जो भी इन्होंने वेट करा है ना, ये जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस लिया है इस वेट करने का, वो भी बेसिकली बेकार ही रहा, क्योंकि उसके बाद वेट करने के बाद भी क्या हासिल हुआ? वेट करने के बाद अल्टीमेटली समय खराब हुआ, रिश्ता खराब हुआ, मन मुटाव बढ़े हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें इस पर्सन के मन में कल देर रात तक बहुत ज़्यादा चली हैं। सौरों को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में कल देर रात तक क्या चलता रहा, गाइड कीजिए, बताइए। तो फूल बेसिकली ये पर्सन कल देर रात तक इस चीज़ के लिए भी दुखी हुए हैं कि जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी का रिस्क लिया, वैसे तो ये रिस्क लेते नहीं हैं, जो कभी इन्होंने बाय चांस एक रिस्क लिया, वो रिस्क भी इन्हें ले डूबा। और ये पर्सन कल देर रात तक जो अफसोस जाहिर कर रहे थे या दुखी थे ना, वो अपने आप से जो इन्होंने एक एक्शन लिया, अपनी सोच समझ के हिसाब से जो भी इन्होंने कदम बढ़ाया ना, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन कल देर रात तक काफ़ी ज़्यादा अफसोस में रहे हैं या परेशान रहे हैं। एज एन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि इस पर्सन के दिल में डेफिनेटली एक वक्त पे कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि अगर ये अपनी लाइफ में अकेले चलकर एक नई शुरुआत कर देंगे, तो इनके ऊपर इस चीज़ का कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ फिर भी आराम से चले जाएंगे, या जो भी इनकी इच्छाएँ हैं मटीरियल चीज़ों को लेकर, पैसों को लेकर, वो फुलफिल हो जाएंगी, यानी कि यहाँ से जाकर इनके ऊपर कुछ ज़्यादा खास असर नहीं पड़ेगा। इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन ने ना इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेने की बजाय अकेले चलना स्वीकार करा,
और ये जो अकेले जो गए उसी बेवकूफ़ी पर कल देर रात तक इस पर्सन को अफसोस रहा है या उसी वजह से ये पर्सन कल देर रात तक परेशान रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि ओवर स्मार्टनेस ना आगे चलकर ही पता चलती है, तो ऐसा ही कुछ इनके साथ कल देर रात रहा है। द ड्रीम को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही। लवर्स नंबर 6 यानी कि जून मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, या ये पर्सन इस तरह से फील कर रहे थे कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत प्योर था, आप दोनों का जो भी साथ था ना वो बहुत प्योर था, या आप बहुत सच्चे थे इनके लिए, आपका जो प्यार था वो बहुत सच्चा था, आपकी जो केयर थी ना वो इस पर्सन को कल देर रात तक बहुत ज़्यादा याद आती रही। जैसे आप इन्हें जिस तरह से पैम्पर करते थे, जिस तरह से गले लगाते थे, जिस तरह से अगर ये रो रहे हैं तो आप इन्हें गले लगाकर इन मतलब चाहे आप मोबाइल पर इमोजीज भेजकर ही ऐसे इन्हें जताते हो कि मैंने तुम्हें कडल कर लिया है, गले लगा लिया है, तो उन सभी चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। इन्हें ना ऐसा लग रहा था कल देर रात तक कि उस वक्त में ये जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही थी ना उसे इन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया, उसे ये इमैच्योरिटी समझ रहे थे। लेकिन कल देर रात तक ये पर्सन उसी चीज़ की कमी अपनी लाइफ में महसूस करते रहे हैं कि आप वही पैम्पर करो, वही केयर करो इनकी, आप जैसे पहले करते थे, तो वो चीज़ें ये पर्सन कल देर रात तक हद से ज़्यादा मिस करते रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच रही, गाइड कीजिए। द सन लियो की एनर्जी है। देखो इस पर्सन को कल देर रात तक ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि मेरी खुशियाँ कैसे मुझे मिलती, जैसे अगर फैमिली नहीं मान रही है तो अगर ये उस वक्त पे अपने आप को समझाने की बजाय उस परिवार को समझाते या दोनों को समझाते या कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग वो लेकर आते, मैच्योरिटी लेकर आते, तो खुशियाँ अपने आप आ जाती, सब खुशी हो जाती। लेकिन इस पर्सन ने ऐसा करने की बजाय, ऐसा समझने की बजाय कुछ और ही चीज़ें करनी शुरू कर दी, तो ये पर्सन कल देर रात तक ना जो इनसे गलतियाँ हुई हैं उस चीज़ को लेकर ये पर्सन समझ रहे थे। मैंने जो चीज़ें आपको बताई कि खुशियाँ क्यों मेरे हिस्से नहीं आई या खुशियाँ क्यों मुझसे रूठ गई, अगर परिवार को मना लेते तो आज की डेट में सब खुश होते, तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में कल देर रात तक चली हैं। यानी कि टावर जो आया है उसको समझ रहे थे, टावर आने की वजह क्या है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स न्यू विजन को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ वैंड्स, यहाँ पर पारिवारिक इशूज़, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, जैसे सब लड़ भिड़े हो, और ये पर्सन कल देर रात तक इसी चीज़ को ना नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एज इन कि इन्होंने इस कनेक्शन को सही तरीके से नहीं देखा, इस कनेक्शन में चीज़ों को सॉल्व इन्होंने सही से नहीं करा। अगर ये सही से देखते या सॉल्व करते तो आज की डेट में आप सब लोग इकट्ठे होते, आप सब लोग एक दूसरे के साथ होते और एक रीयूनाइट होकर रहते, लेकिन बजाय उसके इन्होंने इस कनेक्शन में जो लड़ाइयाँ चल रही थी, लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, उसमें खुद भी पार्टिसिपेट करा इन्होंने, तो उस तरह का अफसोस कह सकते हो, उस तरह की चीज़ें इस पर्सन को ना कल देर रात तक परेशान करती रही कि इनकी क्या ड्यूटी थी उस वक्त पे जो इन्होंने नहीं निभाई सही से। पास्ट लिप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में कल देर रात तक क्या चला है। एस ऑफ सोर्ड्स, देखो बेसिकली इस पर्सन को ना कल देर रात तक ये चीज़ें तो समझ में आ रही थी कि एक्चुअली में ये सब चीज़ें हुई क्यों, क्योंकि ये पर्सन ना इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्लियर नहीं थे, यहाँ पर क्लियरिटी की कमी थी। इस पर्सन को ये चीज़ें लग रही थी एक वक्त पे कि डेफिनेटली आपका होना ना होना इन्हें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी आगे मूव कर सकते हैं, इनके लिए इतना टफ नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, और इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि नहीं,
इनके लिए आप या आपके साथ का कनेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने कि और लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये पर्सन उस वक्त में जो भी पावर गेन कर रहे थे, जो भी स्ट्रेंथ में थे ना, वो आपसे दूर जाने पे ज़्यादा थे, और इस चीज़ की क्लियरिटी इस पर्सन को कल देर रात तक रही है। एज एन जैसे समझ में आ रहा हो कि उस वक्त पे मैं ना क्लियर जो हो रहा था या हो रही थी वो दूर जाने को लेकर था कि भाई मुझे दूर जाना है उससे, मुझे अपने आप को इस सिचुएशन से, इस पचड़े से दूर करना है। लेकिन इन्हें कल देर रात तक ये फील हो रहा था कि जितना दूर जा रहे थे उतनी गलतियां करते जा रहे थे, उतनी ज़्यादा अपनी इस कनेक्शन के जो उम्मीदें हैं उसे मारते जा रहे थे। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में चली हैं, एज इन की कोई एक बात को पकड़ कर जकड़ कर बस चलते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली चीज़ें उलझेंगी, सुलझेंगी नहीं। तो ये है, इन्होंने कभी वर्क ही नहीं करा, जो चीज़ें खराब हो रही थी उस पर भी वर्क नहीं करा, बल्कि इन्होंने और चीज़ों को खराब करा है। रिसेप्टिविटी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में, इनके दिल में कल देर रात तक क्या कुछ चलता रहा। जस्टिस, देखो इनके दिल में ना कल देर रात तक ये चीज़ें चलती रही कि जो ये इतने वक्त तक अपने लिए खाली न्याय की मांग करते आ रहे थे ना कि मुझे न्याय नहीं मिला, मेरे साथ गलत हो रहा है, एक्चुअली में यहाँ पर जो न्याय नहीं मिला था वो इस कनेक्शन को नहीं मिल रहा था। ये इन चीज़ों को अकेले लेते चलते आ रहे थे, जबकि ये कनेक्शन एक का नहीं दोनों का बन गया था, और वो चीज़ों की क्लियरिटी इस पर्सन को कल देर रात तक रही है। एज एन कि इन्होंने ना सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा, और जैसे कि उन सब चीज़ों से अब ये पर्सन समझ रहे हो कि हाँ कहाँ मुझसे गलती हुई है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ ये पर्सन डेफिनेटली कल देर रात तक करते रहे हैं, ये तो बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखा है। एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में कल देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं कि जितना ज़्यादा इस पर्सन को इन सभी चीज़ों के और लेकर क्लियरिटी थी, उतना ज़्यादा ये पर्सन बोझ के तले दबते जा रहे थे। एज एन की जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस इन्होंने गेन करा है ना, इकट्ठा करा है, वो बेकार का ही करा है, वो बर्डन के तौर पर ही करा है, उससे ज़्यादा और कुछ इन्होंने इतना वेट करके, इतना एक्सपीरियंस गेन करके और कुछ इन्होंने अपने हिस्से, कुछ पहाड़ नहीं ले लिया है, तो ऐसा इन्हें कल देर रात तक लगता रहा है। चलिए देखते हैं आपसे कल देर रात तक ये पर्सन कहना क्या चाह रहे थे। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कल देर रात तक ये कहना क्या चाह रहे थे व्यूअर्स से। तो देखिए सबसे पहली चीज़, ये पर्सन जैसे आपसे कहना चाह रहे हो कि आप इनकी आंखों में अभी भी हो, या ये आपकी आंखों में अपने लिए वो प्यार देखना चाहते हैं जो इन्होंने खो दिया अपने इमैच्योरिटी के चलते, अपनी क्लियरिटी ना होने के चलते। आपसे ये कहना चाह रहे थे कल देर रात तक कि इनकी नज़रें आपको अभी भी ढूंढती हैं, इनकी नज़रें आपके ऊपर ही हैं, या इनकी नज़रें आज भी कहीं ना कहीं आपको हर जगह ढूंढना चाहती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, या इनके घर में हो, या अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे तो वहाँ पर इनकी नज़रें आपको अभी भी बहुत ज़्यादा ढूंढती हैं। या आपसे ये कहना चाह रहे थे, या आपसे ये कहना चाह रहे थे कि आज भी तुम मेरी ज़िंदगी के वो रिफ्रेशमेंट हो जिसे मैंने अपने आप से अपने आप दूर कर दिया, यानी कि तुम्हें याद करके मैं रिफ़्रेश हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, या तुम्हारी बातें जब भी आती है तो मुझे अच्छा लगता है। तो आपसे ये कल देर रात तक ये कहना चाह रहे थे, ठीक है। ये डेफिनेटली आप पे नज़रें रखे हुए हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको बताना चाह रहे थे कि आपको ये ऑनलाइन ढूंढते हैं, सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं, पर शायद अब आप इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ें आपसे कहना चाह रहे थे कि कहाँ हो तुम, मुझे क्यों नहीं दिखते हो, ठीक है, मैं तुम्हें इतना ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ मैं, तुम मुझे क्यों नहीं दिखते हो। पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन के पास आपका कोई फ़ोटो है, चाहे पासपोर्ट साइज ही फ़ोटो हो, चाहे मोबाइल में आप का कोई DP इन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर रख रखा हो, बट इनके पास डेफिनेटली आपकी कोई पिक्चर है जिसे ये कल देर रात तक देखते भी रहे हैं और कहना चाह रहे थे कि तुम्हारी फ़ोटो ही है बस मेरे पास, जिससे मैं अक्सर बातें करता हूँ या करती हूँ, या बस जिसे देखता हूँ या देखता ही रहता हूँ या रहती हूँ। तो आपसे कल देर रात तक ये कहना चाह रहे थे, आपसे कहना चाह रहे थे कि मैं ना अपनी लाइफ में ये जो भी चल रहा है उसमें जहर फैलाने वाला या वाली मैं खुद ही हूँ,
यानी कि यहाँ पर कोई और नहीं है ये पॉइजन फैलाने वाला या वाली, वो तो मैं खुद ही हूँ, आपसे ये कुछ इस तरह से कहना चाह रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर्सन को अपनी गलतियाँ समझ में आ रही थी कि क्या इन्होंने गलती कर दी है, या आपसे ये कहना चाह रहे थे कि अपने अच्छे खासे रिश्ते को, अपनी खुशियों को इन्होंने खुद ही निगल लिया है, तो इस तरह से आप तक कोई मैसेज देना चाह रहे थे। हो सकता है आप में से किसी के पास बाइक या स्कूटी है और आप लोग अक्सर उस पर घूमते थे, जाते थे, या आप इनसे स्कूटी पे या बाइक पे मिलने जाते थे, या ये आपसे मिलने आते थे या जाते थे, मतलब जो भी स्कूटी से रिलेटेड आपकी मेमोरीज़ है ना, वो इस पर्सन को कल देर रात तक हद से ज़्यादा याद रही और आती रही, और आपसे कहना चाह रहे थे कि काश वो पल फिर से वापस से आ जाए जब हम दोनों एक दूसरे के साथ फिर उसी तरह से मिले, उसी तरह से जुड़े, उसी तरह से बात करें। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन ना आपको ऐसे बोलते हो कि तुम बड़े स्मार्ट हो, बड़े चालू हो, उस तरह से पर्सन आपसे कुछ बोलते हो, चुलबुलापन आप जब करते हो तो उन बातों को ये पर्सन याद आ रहे कर रहे थे, एज एन कि तुम चालाक हो लोमड़ी की तरह, तो ऐसे कुछ आपसे अगर कुछ बोलते हो तो वो पल ये पर्सन याद कर रहे थे, जो भी आप चुलबुलापन करते थे, ये आपको जो चिढ़ाते थे, चुलबुलापन करते थे, तो उन सभी चीज़ों को ये पर्सन कल देर रात तक मिस कर रहे थे, और आपसे वो बताना चाह रहे थे कि तुम ऐसे करते थे ना, तो मैं ये करती थी ना, तो वो चीज़ें जैसे आपसे खुद से ही कहना चाह रहे हो, और कहना चाह रहे हो कि और आज देखो तुम पूरी तरह से मिस्टीरियस बन गए हो मेरे लिए, जिसके सामने तुमने सबसे ज़्यादा ओपन थे, सबसे ज़्यादा खुली हुए थे, और तुमने आज की डेट में उसी से पूरी तरह से कट कर रखा है, क्योंकि मैंने खुद से इस रिश्ते में ये सिचुएशन, ये हालात को क्रिएट करा है, तो आपसे कल देर रात तक ये कहना चाह रहे थे। यहाँ पर आया है अम्ब्रेला, जो ये कह रहा है पूरी तरह से कि पॉसिबिलिटी आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा हो, मतलब बहुत डेट पे गए हो, मूवीज़ देखी हो, तो ये पर्सन ना उन पलों को याद कर रहे थे कि देखो समय भी क्या चीज़ है, एक वक्त पे हम लोग साथ में घूमा करते थे, जाया करते थे, और आज की डेट में हम दोनों जाते तो हैं लेकिन अलग अलग जाते हैं। ठीक है, उन पलों को ये पर्सन डेफिनेटली कल देर रात तक हद से ज़्यादा याद करते रहे हैं। हेयर कट यहाँ पर आया है, पॉसिबिलिटी है जैसे आप दोनों जब भी हेयर कट लेते हो तो साथ लेते हो, साथ जाते हो, या ये इन्होंने कभी हेयर कट कराया हो तो आप अक्सर इन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया करते थे, आप कराते थे हेयर कट वगैरह तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट दिया करते थे, तो ये पर्सन उन पलों को याद कर रहे थे कि जब भी ये जैसे जाते थे तो आप इन्हें ऐसे बोलते थे, हेयर कट करवा के आते थे तो आप इन्हें ऐसे बोलते थे, तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं, कल देर रात तक इस पर्सन ने ना आपसे जुड़ी हर एक छोटी से छोटी बात याद करी है, हर एक छोटी से छोटी बात जैसे आपसे शेयर करना चाह रहे हो कि इनके दिल में क्या क्या चल रहा है आपको लेकर, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन इन्होंने इन सभी चीज़ों को खुद से बर्बाद कर दिया, तो वो भी आपसे जैसे डिस्कस करना चाह रहे हो, तो ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कल देर रात तक के पर्सन किस एनर्जी में रहे, क्या कुछ कहना चाह रहे थे। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो, क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।